Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philaform. As you all know, I am taking English grammar class at Philaform. Is your child still calculate in such a slow Good afternoon, Priya ji. Dear student, this is our Philaform platform. यहाँ पर आपको सभी information मिलती हैं, चाहे वो आपके government exam से related हो, government job से related हो, या कोई vacancy से related हो, या कोई आपके form निकले हों किसी भी exam से related, तो सभी प्रकार की आपको यहाँ पर information मिलती है. तो dear students, you join our Philaform प्लेटफॉर्म. ये टाइम टेबल है KVS, NVS, CTET, CSB फॉर ऑल एग्जाम. ये सभी क्लासेस हमारी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सभी बच्चे इन क्लासेस का लाभ उठाएं जो हमारी 8 AM से स्टार्ट होती हैं और 10 PM तक कंटिन्यू टाइम टू टाइम चलती रहती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सभी आप ये क्लासेस ज्वाइन करें. ये हमारा सी टेट बैच का टाइम टेबल है जो 9 AM से स्टार्ट होता है और 10 PM तक क्लासेस चलती रहती हैं. बिफोर स्टार्ट द क्लास, मेक मी कन्फर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन प्रिया जी. अच्छा, एक बार सभी चैट बॉक्स में राइट करें कि आज क्या डे है, क्या खास है आज. डू यू नो, आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है. एम राइट, टुडे इज 14 सितंबर. तो आज क्या डे है? हिंदी दिवस. देखो, हिंदी भाषा बोल रही है कि मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते. जय हिंदी, जय हिंदी. बिल्कुल, सभी को हिंदी दिवस मुबारक हो. यस प्रिया जी. अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में राइट करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? हाँ, एक बार राइट करें, हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा. ये क्वेश्चन आपका जीके में भी कवर हो जाएगा. वैसे छोटे छोटे नॉलेज हमें होनी चाहिए. नहीं सोनाली जी, प्रिया जी, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है. अभी हमारी हिंदी की डिमांड है कि मुझे राष्ट्रभाषा बना लो. अभी हमारी हिंदी भाषा क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है. मैंने एक बहुत अच्छी पोएम राइट की है हिंदी पर, फिर कभी सुनाएंगे. आप लोग भी राइट करते रहा करो. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव का टेस्ट. कल हमने एडजेक्टिव की सभी टाइप्स, डेफिनेशन विद एग्जांपल,
सभी रिवाइज किए थे। 3 दिन से हम ये क्लास चला रहे हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो हमारी लास्ट की क्लासेस देख लें। गुड आफ्टरनून विहाना आद्विक, आफ्टर लॉन्ग टाइम, व्हाट हैपेंड विहाना? सोनाली जी, बहुत बड़ी पोएम है, अभी नहीं सुना पाऊंगी, मैंने खुद राइट की है। आप लोग भी अपने अपने राइट करते रहा करो। हाँ बिल्कुल, किसी दिन सुनाएंगे। अच्छा, आज का हमारा टेस्ट है एडजेक्टिव पर। सभी बच्चों ने तैयारी की है क्या? सभी एडजेक्टिव रिवाइज किए हैं? एक बार कंफर्म करें, थंब करें। आर यू रेडी फॉर टेस्ट? अच्छा, कोई बात नहीं बिहाना, ओके, डोंट वरी। ओके, चलो पहले हम टेस्ट ले लेते हैं। आज आपका स्पेलिंग टेस्ट भी है और एडजेक्टिव टेस्ट भी है, ठीक है? आप साथ में क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव, लेकिन साथ में आप उसकी टाइप्स भी राइट करेंगे कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है? और सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। हरी अब, द कॉफी इज नॉट गुड, द कॉफी इज नॉट गुड। जल्दी राइट करें, द कॉफी इज नॉट गुड। देखो हमें इसमें फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है? जैसे मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक वर्ड है, ठीक है ना? तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, कौन सा है? गुड। गुड इज योर एडजेक्टिव वर्ड, इसमें से आपको ये बताना है और फिर इसकी टाइप्स बतानी है जो आप लोगों ने बता दी है ऑलरेडी। टाइप्स क्या है? बिल्कुल राइट की है आपने, बिल्कुल करेक्ट राइट की है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बिल्कुल सही राइट किया है आपने। हाँ, टाइप आपने बता दी है, लेकिन इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है? चलो लेट्स सी आंसर। गुड, गुड इज योर एडजेक्टिव वर्ड। सेंटेंस में से हमें छाटने आने चाहिए, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ सभी चैट बॉक्स में राइट करेंगे, इससे आपके इसमें से वर्ड छांटने भी आ जाएंगे और साथ में टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल राइट सोनाली जी, विहाना जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड. जल्दी से पिकअप करें कि कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है. द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड. इसमें हम साथ के साथ सेंटेंस में दूसरी चीजें भी मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे नाउन है ना. यस, गुड आफ्टरनून स्टडी विद जीएसएम. द ब्लैक, ब्लैक क्या बता रहा है? क्वालिटी. स्मॉल नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं है इधर. यहां क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, नॉट क्वांटिटी. देखो, ब्लैक, व्हाइट, रेड, आपके इसमें टू एडजेक्टिव हैं, ब्लैक और स्मॉल. ओके, और देखो इनके बाद आपका क्या आया हुआ है? नाउन. क्या आई हुई है? नाउन. ये भी मैंने बताया था ना, ये आपका क्या है? वर्ब. ऐसे सभी फाइंड आउट किया करो, ठीक है? नाउन. साथ के साथ सभी चीजें राइट किया करो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. वेरी गुड. वैसे मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिया है. आप साथ के साथ सभी चीजें राइट किया करो सेंटेंस में. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ, है ना. चलो लेट्स सी आंसर. आंसर विल बी ऑप्शन ए. यस, दोनों इसमें आपके एडजेक्टिव हैं, ब्लैक और स्मॉल. क्योंकि देखो, ब्लैक क्या बता रहा है कि कैट कैसी है? ब्लैक है. स्मॉल क्या बता रहा है कि बर्ड कैसा है? छोटा है. ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ही लाइक्स दिस पेन. अब इसमें आप सारी चीजें राइट करेंगे और साथ में राइट कर सको तो ये भी बता दो कि ये कौन सा टेंस है. साथ में क्या राइट कर सकते हो कि ये टेंस कौन सा है? टेंस भी आप बता सकते हो, कौन सा टेंस है. हाँ, टेंस बताइएगा. ही क्या है? ओके, और एडजेक्टिव कौन सा है इनमें, और कौन सा, किस, कौन सी टाइप है एडजेक्टिव की? सभी चीजें फाइंड आउट करनी है हमें. आज टेस्ट है हमारा एडजेक्टिव का. टेस्ट किसका चल रहा है आपका? एडजेक्टिव. इसमें आपको बताना है एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है. जल्दी बताएं और साथ के साथ आप चैट बॉक्स में, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट की भी फोर टाइप्स होती हैं. हाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्यों? क्योंकि लाइक्स आपकी वी फर्स्ट और प्लस क्या है? एस, या ईएस किसी के साथ हो तो आपका कौन सा टेंस होगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. इज इट क्लियर? और आपका एडजेक्टिव क्या है इसमें? दिस. एडजेक्टिव क्या है? दिस. और दिस कौन सी टाइप का है?
कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, बिल्कुल राइट है, ही प्रोनाउन है, बिल्कुल सभी ऐसे ही राइट करते जाएं। और क्या है ये, सब्जेक्ट भी है, ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सभी क्लियर। पेन क्या है आपका, नाउन। पेन क्या है आपका, नाउन। हाँ, ऐसे सारी चीजें आप राइट करते रहोगे तो जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के कि आप इनमें से एडजेक्टिव बताइए, प्रोनाउन बताइए, तो उनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, एक साथ हम कई सारी चीज़ें करें तो हमारी जो पीछे की ग्रामर के टॉपिक हुए हैं वो भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना, एम राइट। हाँ, दिस दैट दोस, ये कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन से एडजेक्टिव है, दिस दैट दोज दिस, डेमोस्ट्रेटिव, कौन से हैं, राइट करेंगे सभी, डेमोस्ट्रेटिव कौन से हैं। लेट्स सी आंसर दिस। हाँ बिल्कुल राइट, पेन इज नाउन, और दिस दैट दोज दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इंडिकेट करते हैं, दिस दैट दिस दोस। मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं देखी है वो लास्ट क्लासेस देख लें। दैट गाय लुक्ड एट मी एंड गेव अ नोटी स्माइल, यस, इसमें से आप एडजेक्टिव वर्ड फाइंड आउट करें। आज मैंने फैन ऑफ कर दिया, देखते हैं फिर भी कैसी साउंड आ रही है। नहीं, डेमोस्ट्रेटिव में ओनरशिप नहीं होती, डेमोस्ट्रेटिव इंडिकेट करता है कि ये वो, दिस दैट दीज दोज, इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं, क्या करते हैं, संकेत देते हैं। आप इसको हिंदी में संकेतवाचक भी बोलते हो ना, यस, बिल्कुल राइट है, नोटी। ऐसे ही आप इसमें सभी वर्ड्स छांटते जाएं, नोटी। अच्छा, इसमें वर्ब कौन सी फिल हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ही सभी छांटते जाएं, बिल्कुल राइट। लेट्स सी आंसर, नॉटी, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एट लिटिल ब्रेड, ही एट लिटिल ब्रेड, जल्दी राइट करें, टाइम इज ओवर। ही एट लिटिल ब्रेड, यस, आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, लिटल, बिल्कुल राइट, लिटल ब्रेड। हाँ, ब्रेड से पहले हमने लिटल क्यों राइट किया, ब्रेड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं, ब्रेड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल या अनकाउंटेबल, टेल मी। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रेड क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, क्योंकि हम सोचेंगे कि हम इस ब्रेड को काउंट कर सकते हैं ऐसे ब्रेड, लेकिन नहीं, हम क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड,
क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, हम ब्रेड को काउंट नहीं करते। ठीक है, अनकाउंटेबल होती है आपकी ब्रेड, इसलिए इससे पहले क्या आया है आपका लिटल। ब्रेड क्या होती है आपकी, अनकाउंटेबल, अ पीस ऑफ ब्रेड। लेट्स सी आंसर। अच्छा, ये सेंटेंस बताएं कौन सा सेंटेंस है, टेंस कौन सा है ये, ही एट लिटिल ब्रेड। हाँ बिल्कुल, अनकाउंटेबल है, टेंस भी साथ में बताते जाएं। ही एट लिटिल ब्रेड कौन सा टेंस है, मैंने आप लोगों को टेंस करवा दिए है ना। देखो एट कौन सी वर्ब है आपकी, वी टू, ही एट लिटिल ब्रेड, उसने छोटा टुकड़ा खाया, क्या खाया, ब्रेड का, क्या खाया, खाया, खाया आ गया ना, आप हिंदी में भी ऐसे लगा सकते हो, खाया, आ की मात्रा आ गई, था आ गया, थे थी जो भी है, और वी टू है तो आपका क्या आ गया, पास्ट टेंस, और कौन सा है आपका, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट है। इससे क्या है कि आपके जो भी टॉपिक किए हुए हैं हमने, वो साथ में रिवीजन, उन सब का रिवीजन होता रहेगा साथ के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव का तो टेस्ट हो ही रहा है, साथ के साथ आपके अदर टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज टू पेन्स, she has two pens। हाँ, और पीछे वाले का हमने adjective की types भी write करनी थी ना, little था तो कौन सा type था, quantitative, quantitative adjective। she has two pens, यस बिल्कुल राइट, टू, टू इज योर एडजेक्टिव, लेकिन टाइप्स कौन सी है एक बार टाइप बता दें, विच टाइप एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, हाँ बिल्कुल राइट, नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ के साथ सभी टेंस राइट करते जाएं चैट बॉक्स में। नहीं, शी हैज टू पेंस, देखो हो गई ना मिस्टेक, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट में। लेकिन यहां पर हैज आपका मेन वर्ब का काम कर रही है, हैज क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का। She has two pens, ठीक है,
ये भी हमें याद रखना है। राम इज हर ब्रदर, राम इज हर ब्रदर, इसमें आप एडजेक्टिव फाइंड आउट करें। हाँ, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मैंने आप लोगों को एक दिन समझाया था कि कहाँ पर मेन वर्ब है। अगर वो मेन वर्ब का सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब है नहीं, ओनली वन वर्ब है, तो वो आपकी मेन वर्ब होगी। ठीक है, यस, हर। अच्छा, कौन सी टाइप है? सभी स्कोर राइट करते रहेंगे साथ के साथ। राम इज हर ब्रदर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव राइट करें, कौन सी टाइप है? अच्छा, आप बताएंगे ये पजेसिव एडजेक्टिव है या अच्छा, सभी साथ में राइट करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? हाँ, पजेसिव, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई, बिल्कुल। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है इसका मतलब आपका। पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई, पजेसिव, जिसमें पजेशन बताते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बार डिफरेंस राइट कर दें पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में। पैसिव नहीं, पजेसिव। अब देखो, पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि क्या आया है आपका? हर के बाद क्या है? ब्रदर। क्या है? ब्रदर। और ब्रदर क्या है आपका? नाउन। ब्रदर क्या है? नाउन। और जैसे मैंने बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है आपका? एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसलिए ये आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पहचान लोगे ना? अगर क्वेश्चन में आ जाए, आपके पास ऑप्शन दे दें कि पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो आप पहचान जाओगे ना कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं। क्यों? क्योंकि इनके साथ नाउन आया है। ओके, क्लियर। एक बार साथ के साथ मुझे कंफर्म करते जाएं कि मैम क्लियर है। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें डीपली समझाई हैं, लेकिन आज टेस्ट में भी मैं दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रह जाती है। प्रोनाउन में भी आपका हर, हिज, इस टाइप से आएगा, और सारी चीज़ें आप साथ के साथ राइट करोगे ना, तो समझ लो कि सभी का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी, हर। He wants some money. He wants some money. He wants some money. जल्दी बताएं, time is going to over. सॉरी गाइज, अभी तक ठीक ही नहीं हो पा रहे। यस, बिल्कुल राइट। टाइप कौन सी है एडजेक्टिव की? सम मनी। सम
अब देखो आपका यहाँ ना एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है साथ ही साथ। एक बार मुझे ये बताएं, मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? टेल मी, मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? मनी क्या है? मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? कुछ वर्डों में, कुछ ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें कन्फ्यूजन रहती है। हम सोचेंगे कि हम मनी काउंट कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या है मनी? मनी वर्ड जो है आपका वो अनकाउंटेबल है। मनी वर्ड क्या है आपका? अनकाउंटेबल, ठीक है? नहीं, अनकाउंटेबल है, इसलिए मनी से बिफोर क्या आया है आपका? सम। ये हमारे जो एरर के सेंटेंस होते हैं ना उसमें भी आते हैं। आप लोग सोचोगे कि अरे मनी तो काउंटेबल है, सम क्यों आया है, लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है प्रिया जी, ठीक है? अच्छा, एडजेक्टिव की टाइप बताइए। हाँ, टाइप है आपकी क्वांटिटेटिव, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है, अच्छा टेंस कौन सा है साथ में ये भी राइट करते जाएं। क्लियर? ही वॉन्ट सम मनी, क्लियर? सम आएगा आपका एडजेक्टिव वर्ड, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्की इज वियरिंग अ कलरफुल आउटफिट। हाँ बिल्कुल राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वी फर्स्ट है और सिंगुलर है इसलिए एस लगा है। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, और डेली जो भी हम टेस्ट लेते हैं अगर उसमें सभी चीजें पूछेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपको सब कुछ याद रहेगा। स्पेशली किसी की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसका उसको रिवाइज कर लें हम। हाँ बिल्कुल राइट है, कलरफुल। लकी इज वियरिंग अ कलरफुल आउटफिट। कलरफुल इज योर एडजेक्टिव वर्ड, यस। अच्छा टेंस भी राइट कर दे। एडजेक्टिव वर्ड आप फाइंड आउट कर लेंगे ना। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो, सभी याद है आप लोगों को। यस वेरी गुड, लकी इज सब्जेक्ट है, नाउन है, वेरी गुड। इज क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये वियर का साथ दे रही है ना। इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करे वो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज मेड डिलीशियस कुकीज फॉर द पार्टी। She has made delicious cookies for the party. Thank you, Sonali ji.
शी हैज मेड डिलीशियस. डिलीशियस इज योर एडजेक्टिव वर्ड. वेरी गुड. हाँ, टेंस भी आप राइट कर ले साथ के साथ. इसमें प्रीपोजिशन भी है, वो भी राइट कर सकते हो. सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है. यू कैन राइट मैनी थिंग्स. हाँ, एक बार सभी राइट कर दें. देखो, एक सेंटेंस में आपकी क्या नाउन भी क्लियर हो रहा है, टेंस भी क्लियर हो रहा है, प्रीपोजिशन भी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव एक साथ आपके बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं. तो आप सभी को राइट कर दें एक बार. फॉर इज प्रीपोजिशन. वेरी गुड. शी इज योर सब्जेक्ट. हैज इज योर हेल्पिंग वर्ब. मेड इज योर वी थ्री. हाँ, वेरी गुड. लेट्स सी आंसर. एक बार आंसर देख लेते हैं. यस, देखो आपकी साथ में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये भी सब क्लियर हो रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रिया जी, सोनाली जी, विहाना जी, नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग टेस्ट. आप इसमें से मुझे बताएं कौन सी स्पेलिंग राइट है. चैट बॉक्स में राइट करेंगे सभी, ठीक है. कैंपियन, ये वाली राइट है या फिर ये वाली राइट है. यू विल राइट इन चैट बॉक्स. कैनिबल, दिस राइट और दिस. कैरेज, कैरेज. कैशियर, कैशियर. कैसेट, कैसेट. इस टाइप के वर्ड आपके आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड स्पेलिंग के, ठीक है. फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी राइट है. एक बार आप सभी राइट करें चैट बॉक्स में. और ये पूरा आपका होमवर्क है, राइट कर लेना सभी. सोनाली जी ने लिखा है CAMPAIGN, बिल्कुल राइट. कैनिबल, CANNIBAL. हाँ, बिल्कुल राइट है. वेरी गुड प्रिया जी. प्रिया और सोनाली का आ चुका है. कैरेज, CARRIAGE. यस, बिल्कुल राइट है. कैशियर, CASHIER. बिल्कुल राइट है. हाँ, ये स्पेलिंग आपकी राइट है. कैनिबल, कैरीज, कैशियर और CASSEET. कैसेट, बिल्कुल राइट. अच्छा, एक बार मुझे बता दें कि आपके लिए टेस्ट कैसा है, यूजफुल है, नहीं है. क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी. ये सभी वर्ड जो स्पेलिंग टेस्ट वाले मैंने लिए हैं, ये कई लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड पिकअप कर लिए. सभी क्लास की फीडबैक दें एक बार, क्लास कैसी लगी और जो हम क्वेश्चन लेके आए वो कैसे लगे. और एक बार मुझे ये बता दें कि कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू विच टॉपिक आई शुड स्टार्ट. हमारे बचे हुए हैं
एक्टिव वॉइस नहीं हुए ना, एक बार मुझे कंफर्म करना। हमारे नरेशन हो चुके हैं, है ना? सभी बच्चे फीडबैक दें एक बार और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। देखो, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, उससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होंगे और जितना मोटिवेट होंगे उतनी ही अच्छी क्लास आपके लिए लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सोनाली जी, प्रिया जी। देखो, डेली आपके कहने पर ही मैं वर्ड मीनिंग लेके आई हूँ और स्पेलिंग एरर से रिलेटेड, ठीक है? अभी साथ में बोलो तो कुछ और, जैसे इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं लाइक दिस, और साथ में हमारी ग्रामर तो चल ही रही है, ठीक है? यू कैन सजेस्ट मी विच टॉपिक डू यू वांट। कल आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, एक्टिवाइज करवा दें फिर, क्योंकि टेंस हमने कर लिए हैं, नरेशन कर लिए हैं और पार्ट ऑफ स्पीच मोस्टली हम कर रहे हैं। सेंटेंस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं हम सब बता रहे हैं ना, तो एक्टिवाइज कर लेते हैं कल, है ना? बताएं मुझे एक बार सभी, कल एक्टिव वॉइस लेके आए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या बात है भाई, कमेंट्स धीमे हो गए। चलो ठीक है, तो फिर कल हम एक्टिव वॉइस ही करवा देंगे। और जो टॉपिक हमने कर लिए हैं, अगर उनमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया हो, तो दोबारा से वो भी हम कुछ आप लोगों को समझा सकते हैं, अगर नहीं समझ आया हो तो, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग क्लास एंड फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।